Hey fam, welcome back to the Trend Star. So we are back again with another video, another MC Stan best of this week. And अब तो भाई बिल्कुल end तक पहुंचने वाले, सफर खत्म होने वाला, लेकिन MC Stan savage है, savage हमेशा रहेगा. तो मजा आएगा वीडियो एंड तक देखना. Let's begin और देखते हैं आज की वीडियो कैसी है. Stan का कैसा? Shamri. Shamri. Chamberi. Hindi matra bhasha. पिछाऊं बेबी हिंदी मातृभाषा इन हम से क्या बोलती वो प्लीज. स्टैन, इससे पहले कि आप किसी पापी का नाम लो, हाँ सर, मैंने नोटिस किया है कि आप एक बहुत से रैपर ही नहीं बल्कि आप बहुत से डांसर भी हो. बेहतरीन आप. रेडी एक्शन. ततरन 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 डिजर्व मेरे को ऐसा लगता नहीं, जो भी इधर आए लोग करता ब्रो, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं बोल सकते ये डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व नहीं करता. नहीं, अभी तक इधर आए तो डिजर्व सब लोग करते, ऐसा नहीं है. मेरा भाई इसलिए करता क्योंकि उसको वो ये नहीं सोचता कि पॉलिटिकली करेक्ट मांगता हर एक चीज में. उसका अगर कभी भी देखे रहेंगे तो फट से हाजिर जवाब रहता नहीं क्या 5 सेकंड में. तो जो सोचने वाले रहते ना वो सोचते और 5-10 मिनट के बाद आके जवाब देते. तो मेरे को ऐसा लगता कि टिकट टू फाइनल मेरे भाई को, मेरी जान को मिलना मांगता. अरे इधर ही था वो. इधर मतलब कमरे के अंदर? हाँ इधर रुकेला था. मैं बोला वो इधर क्या कर रहा था? अरे वो कैसे रुकेला मालूम का? ए वो रुक, 2 सेकंड रुक, रुकना. शालिन खड़ा हुआ था ऐसे, पता है ये शालिन की बात कर रहे थे, वही खड़ा हुआ था. मेरे वो बाप बनना पड़ेगा, मेरी बात नहीं जान देगा, सब पीछे देगा ना, बाप बनना पड़ेगा. अरे रुके लो, मैं बोला शालिन भाई अफवाह फैलाते, क्योंकि वो मेरा भी एक भाई ने बोले थे आके ने कि वो कुछ तो एक वीडियो मेरा था, तो भाई ने उधर बात करी थी किसके साथ में, तो कि अरे ऐसा है नहीं क्या स्टैन, ऐसा है वैसा है, फिर कुछ लड़की बाहर से कुछ ट्रिप. तो जो भी रहेगा मतलब अफवाह है वो तो बाहर से, मतलब आदतें पे, इधर जितनी भी आदतें घर वालों की उस पे अफवाह चलेगा, मतलब नहीं क्या एक दूसरे की, एक दूसरे रूम में बैठ के दूसरा एक अगला बात कर रहा है, फिर एक कितना बात कर रहा है, वो चलेगा. लेकिन बाहर की अफवाह मेरे को ऐसा लगता शालिन भाई फैला मेरे लिए शिवच है. डिजर्व मेरे को ऐसा लगता नहीं क्या, जो भी इधर आए वो करता ब्रो, क्योंकि मतलब ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल सकते ये डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व नहीं करता. नहीं क्या अभी तक इधर आए तो डिजर्व सब लोग करते, ऐसा नहीं है. मेरा भाई इसलिए करता क्योंकि उसको वो ये नहीं सोचता कि पॉलिटिकली करेक्ट मांगता हर एक चीज में. उसका अगर कभी भी देखे रहेंगे तो फट से हाजिर जवाब रहता नहीं क्या 5 सेकंड में. तो जो सोचने वाले रहते ना वो सोचते और 5-10 मिनट के बाद आके जवाब देते. तो मेरे को ऐसा लगता है टिकट टू फाइनल मेरे भाई को, मेरी जान को मिलना मांगता. ये है आम जिंदगी चटनी बनाने में. मारेंगे तो ये लड़की लोग, इनको एक को भी खाना नहीं बनाना आता. घर में क्या करते हैं लोग, ऐसे नहीं मनाते क्या सेलिब्रिटी लोग घर में? मेड रहते हैं. अरे मेड इतना कोई बनाता होगा या काकू बनाते होंगे, इनके आई बनाते होंगे. मतलब कौन ना, अभी आधा एक्सपेरिमेंट पता अपने पे हुआ. एक्सपेरिमेंट ना, हाँ आपने कुछ खिलाई ले लग. अपने को ऑप्शन नहीं था. कैसे हुआ एमसी, कैसे हुआ शिव के? बस बस इनके खाना है पेंडी, खाने को नहीं, खाने को आता नहीं. पर फिर भी रहे, और अभी इनको पता लगा किचन में भी फुटेज मिलता है, तो ये नमक ज्यादा डाल डाल के फुटेज लेने. ओ शिट, बहुत डेंजर है यार, पागल है. गौतम, आप घर वालों से विदा लीजिए, भूल गई थी ये विदा. मुख्य द्वार से होते हुए घर से बाहर आ जाए. सबसे अलग सबसे कौन है डॉन? आपके दो अच्छे दोस्तों ने आपको बीबी के सितारे के बोले. इससे नहीं सर, स्टैन भी सितारा ही है, लेकिन बोलते ना कि कोई सितारे शूटिंग स्टार होते हैं और कोई सितारे
ब्रोकन स्टार समझो फाइनल होता और ये ट्रॉफी होती तो ऐसे ही बलिदान देते क्या सर? हाँ सर, हाँ सर। एक सेकंड लगाया बोलने में। सोचा हाँ ना था ऐसा दिन आएगा, शेखर सुमन एमसी स्टैंड बन जाएगा। ऐसा दिन आएगा, शेखर सुमन एसपी स्टैंड बन जाएगा। 80,000 के जूते में तेरा घर जाएगा। अरे अगर फैंस ने बोल दिया वो काम बाकी है अभी उसके स्टैंड। हाँ सर, अगर फैंस बोलेंगे वाह वो तो काम बाकी है ना अभी, वन टास्क कर ले। नहीं सर, वो इसको टूकी कर वो तो क्या है इसका टाइम जमीन पर भेज पर टेढ़ा का आंकड़ा खींच ब्लैंक और मन में तेरी गाली आ रही है मेरे को दिख रहा है। अरे सर जिंदगी में कभी नहीं सर। अच्छा एमसी का फुल फॉर्म बता चल। सर माइक कंट्रोलर। वेरी गुड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा ये मेरा भाई शिव। शिव हाँ मेरे को बहुत बहुत चीजें समझाई मेरे भाई ने और बहुत सीखने ही मिला मेरे भाई से। मेरे को चीजें समझाई कि कौन तेरे पास क्यों आ रहा और कौन तेरे से क्या चाहता वो भी चीजें समझाई। वो मेरे को भी समझता है लेकिन जो नहीं तो उसने दिखाया। सो भाई अपना सीडी खूब सपोर्ट किया। एमसी स्टैन देखो यार एक ही बंदा है जो कि मेरे बाद वो रोल प्ले कर सकता है वो है एमसी स्टैन सुल्तान। एमसी स्टैन यो एमसी स्टैन। ए यो भी मत बोल बाबा। अच्छा टी टाउन एमसी स्टैन। हाँ इसे सब बोलो। नहीं नहीं मैं खड़ी हूँ ना स्टेज पे। सॉरी स्टेज पे मेरे मन को भाई मैंने कुत्ता काट के पकड़ दोगे तुम्हारा। यस यार मिस कर दी। ओ ओ सैन तुम फ्लर्ट कर रहे हो क्या मेरे साथ? अरे पागल क्या मजे। ओके दैट वाज इट। अमेजिंग वीडियो मजेदार वीडियो एंड एमसी स्टैन की कितनी भी वीडियो देख लो ना मजेदार ही होता है। इसमें सबसे बढ़िया तो मुझे एक तो वो लगा जो सबको नचा दिया एमसी स्टैन ने धतरा धतरा धतरा। वी एंजॉय इट वी आपको देखने मजा आएगा। मजा आया तो आपको क्या करना है? Make sure you give us a thumbs up and subscribe to this channel if you yes. haven't already. And aap hame follow kar sakte hain on Instagram. Link is in description. Yes. And just remember one thing. You have to grind to shine. Take care. Bye-bye. Bye-bye.